ज वेलकम बैक टू माय चैनल दिस आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे गाइस आज के वीडियो का टॉपिक आप सबके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे दैट व्हाई जी स्कॉलरशिप इज इंपॉर्टेंट कि जो जी की स्कॉलरशिप होती है जब आप जीपैट करने के बाद मास्टर में एडमिशन लेते हो तो जो उसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है वो इंपॉर्टेंट क्यों होती है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वो यूजफुल वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या फिर एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक सच्चाई है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो जी पैट एस्पायरेंट होते हैं वो इसलिए ही प्रिपरेशन करते हैं कि ताकि अगर वो जी पैट का एग्ज़ाम निकाल लेंगे वो एम फार्मेसी में एडमिशन लेंगे तो उनको जो है मंथली स्कॉलरशिप मिलती है और जो मंथली स्कॉलरशिप का मैं अमाउंट बताऊँ वो होता है बारह हज़ार चार सौ दैट इज़ ट्वेल्थ थाउजेंड एंड फोर्टीन हंड्रेड आपकी मंथली जो स्कॉलरशिप होती है वो उसका चार्ज चार्जेस होते हैं एंड बट एक इशू आ रहा है आजकल जो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है जो आपके मास्टर के 2023 स्टूडेंट हैं जो 23 बैच है मास्टर्स का उसमें जो जीपैट स्कॉलरशिप उनको नहीं मिल रही है बट मुझे एक न्यूज़ मुझे बस किसी स्टूडेंट के थ्रू पता चला है कि नाइपर में आपको स्कॉलरशिप मिल रही है मैं बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हूँ कि नाइपर में मिल रही है कि नहीं मिल रही बट अगर आप नाइपर के स्टूडेंट्स में देख रहे हो और अगर आप 2023 के बैच के स्टूडेंट हो एम फार्मेसी में तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताना कि क्या नाइपर में स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही है ठीक है तो अब मेन टॉपिक आते हैं कि एक इशू चल रहा है काफ़ी लंबा इशू हो चुका है अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया है बस बातें आई हैं कि इशू ये है कि 2023 थाउजेंड मा एम फार्मेसी के जो स्टूडेंट बैच हैं उनको अभी तक जी पैट स्कॉलरशिप नहीं मिली है और ये काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है कि अभी तक स्टूडेंट को मैंने पूछा तो कह रहे हैं अभी तक स्कॉलरशिप उनको नहीं मिली है एंड इसके भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, का काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं जो काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पब्लिक की ताकत कितनी ज़रूरी होती है और सोशल मीडिया से अच्छी चीज़ आपको क्या मिल सकती है किसी भी चीज़ का प्रोटेस्ट करने के लिए तो काफ़ी स्टूडेंट्स uh, ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए काफ़ी इंस्टाग्राम हैंडल्स भी यूज़ कर रहे हैं आप भी मेरी स्टोरीज पे देखते रहते होंगे कि मैं इंस्टाग्राम पे कभी कभी स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ जो स्टूडेंट्स भेजते हैं कि स्क्रीनशॉट डाल दो अबाउट द जीपैट स्कॉलरशिप जो भी इशू चल रहा है और इस जब ये बात जब जब भी प्रोटेस्ट बढ़ने ज़्यादा शुरू हुए तब रिसेंटली आपने अभी अभी एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा था पी के प्रेजिडेंट मोंटू पाटिल सर का उसमें उन्होंने बोला है कि अभी ये जो जी के प्रोसेस का अभी जो जी के स्कॉलरशिप का जितना भी अभी चल रहा है वो अंडर द प्रोसेस है एंड मे बी विद इन मंथ्स जो है आपकी स्कॉलरशिप आ जाए बट स्टिल uh, ऐसी कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आ ही जाएगी बट स्टिल अंडर द प्रोसेस है तो अभी देखो पी ने मना नहीं किया है कि स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी बट स्टिल जो पीसीआई के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक दिलासा ज़रूर दिया है कि जो जी की स्कॉलरशिप है वो जल्द ही आ, 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 शुरू हो जाएगी तो वी रियली होप कि जी की स्कॉलरशिप ज़रूर मिले क्योंकि एज अ स्टूडेंट भी मैं कहूँगी कि अगर मैं कभी मास्टर की प्रिपरेशन करने का सोचूं तो मेरा भी मेन मोटिव यही होगा कि बारह हज़ार चार सौ जो ये मिलती है जी की स्कॉलरशिप हम सबको मिले क्योंकि मेन रीज़न यही होता है कि स्कॉलरशिप ही मेन रीज़न होता है uh, क्योंकि जब हम मास्टर में एडमिशन ले लेते हैं तो सबकी ट्वेंटी प्लस होती है और जब कोई स्टूडेंट ट्वेंटी प्लस हो जाता है तो लिटरली दे वांट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट कि ताकि अपने खर्चे खुद निकाल सके तो स्कॉलरशिप एक काफ़ी अच्छा जरिया होता है तो यस yes, ये मेन रीज़न होता है फॉर जी पैट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू मी बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने यही बोला है कि जी पैट की प्रिपरेशन बेसिकली वो स्कॉलरशिप लिए करते हैं फॉर्म के लिए तो चलिए ये तो आई होप वी जस्ट होप कि ये जो इशू है वो जल्दी से सॉल्व हो जाए जल्दी से स्टूडेंट को उनका जो इतनी मेहनत करके वो पेपर निकालते हैं उनका रिवॉर्ड उनको ज़रूर मिले तो चलिए अब मेन टॉपिक पर आते हैं जानते हैं कि जो जी पैट स्कॉलरशिप है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है स्टूडेंट के लिए ठीक है डिस्कस कर लेते हैं कि जी पैट की स्कॉलरशिप इतनी जरूरी क्यों है तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको भी पता है मैं क्या बोलने वाली हूं सबसे पहला पॉइंट ये है फाइनेंशियल सपोर्ट कि फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाता है स्टूडेंट का स्टूडेंट खुद से अपनी नीड्स पूरी कर सकता है जो दोस्त की जरूरतें हैं वो पूरी कर सकता है एंड अकॉर्डिंग टू मी ट्वेल्व थाउजेंड फोर हंड्रेड जो आपका ये जी का स्कॉलरशिप का अमाउंट है ये बस एक मतलब एक स्टूडेंट की ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी हैं ठीक है तो जो एक स्टूडेंट अपने खुद की ज़रूरतें पूरी कर सकता है वो चाहे तो फीस वगैरह भी इससे पे हो सकती है लाइक मेस की डाइट हो गई और भी कोई हॉस्टल के जो ड्यूज़ होते हैं वो सब वो पे हो सकती हैं इससे तो यस फाइनेंशियल सपोर्ट नेक्स्ट इज सेल्फ डिपेंडेंट यस इट्स फाइनेंशियल सपोर्ट जैसा ही पॉइंट है ये कि जो स्टूडेंट है उसको किसी और पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लाइक पेरेंट्स वगैरह सिबलिंग्स वगैरह एल्डर सिबलिंग्स वगैरह पे स्टूडेंट को इतना ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा वो खुद से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है क्योंकि जैसे yes, जब हम बड़े हो जब हम बड़े हो जाते हैं तो यस yes, बहुत सारी जरूरतें होती हैं हमारी पर्सनालिटी को क्योंकि सबका मन करता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं ट्वेंटी प्लस क्रॉस कर देते हैं तो सबको होता है कि मैं अपनी पर्सनालिटी पे काम करूं अपने बॉडी बिल्डिंग पे काम करूं अपने एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटीज़ के लिए काम करूँ बट इसके लिए हमको क्या चाहिए वो हमें मनी चाहिए वी नीड पैसा फॉर दैट सो स्कॉलरशिप के इस अमाउंट से जो है स्टूडेंट अपनी थोड़ी बहुत ज़रूरतें पूरी कर सकता है एंड नेक्स्ट इट इज़ दैट दैट यू विल फील वर्थ इट येस आपको वर्थ इट लगेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो आपने इतनी मेहनत करके जी पैट का पेपर निकाला है और उसका आपको रिवॉर्ड एज अ स्कॉलरशिप मिल रहा है यू रियली फील वर्थ इट आपको अच्छा लगेगा कि हमने इतनी मेहनत करी है और उसका हमें रिवॉर्ड भी मिल रहा है मास्टर भी कर रहे हैं अच्छे कॉलेज से तो येस यू विल गेट यू विल फील लाइक वर्थ इट नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी नॉर्मल पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी दैट इज हैप्पीनेस यू विल लिटरली फील हैप्पी कि आपको हैप्पीनेस क्यों होगी सबसे पहले आपको हैप्पीनेस इसलिए होगी क्योंकि आपकी जो मेहनत थी वो वर्थ इट रही आपको एज अ स्कॉलरशिप एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है नेक्स्ट आपका होगा कि आपके अपने फाइनेंशियल ड्यूज़ आप खुद निकाल पा रहे हो छोटी मोटी फ़ीस खुद फीस भर ले रहे हो तो आपको एज अ हैप्पी आपको सेटिस्फेक्शन होगी खुद से दैट यू विल फील हैप्पी कि हाँ मैं आप अप, अपना खर्चा खुद निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ एंड लास्ट पॉइंट इज़ दैट यू विल एनकरेज योर सेल्फ हायर स्टडीज़ अगर आपका मन करे कि आप आगे जाके मास्टर्स के बाद पीएचडी कर ले तो आपको एक एनकरेजमेंट होगी वो एनकरेजमेंट इसलिए होगी कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो जाएगा अगर मैं मास्टर का एग्ज़ाम जीपेट का एग्ज़ाम निकाल के अपना स्कॉलरशिप uh, के बेसिस पे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ तो मैं पीएचडी के एग्ज़ाम निकाल के भी तो स्कॉलरशिप के बेसिस पे अपनी ज़रूरतें अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता हूँ है ना तो यस आपको एक तरह से अपने एनकरेजमेंट मिलेगी एनकरेजमेंट मिलेगी सॉरी फॉर योर फर्दर स्टडीज़ तो यस यही ये था आज की वीडियो में सिंपल सी वीडियो थी हमने बस डिस्कस किया कि जी पैट स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है आजकल स्टूडेंट को और जी पैट स्कॉलरशिप इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए इस वीडियो में बट स्टिल वी ऑल आर स्टूडेंट वी ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी डिसअपॉइंटेड हम सब डिसअपॉइंट हैं कि ये स्कॉलरशिप मिलना बंद नहीं होना चाहिए बट स्टिल बी पी सी आई के प्रेजिडेंट ने बोल दिया है कि जी पैट स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी पता नहीं कब मिलेगी मतलब टू थाउजेंड ट्वेंटी वाज को मिल जाएगी बट स्टिल हम जल्दी से होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी मिले कि स्टूडेंट्स आर लिटरली वरेड क्योंकि जो जिन्होंने पेपर निकाला है वो भी यही सोच रहे हैं कि हमने तो स्कॉलरशिप के लिए पेपर निकाला था अब यही नहीं मिल रही तो क्या करें है ना तो ये यही था इस वीडियो में आई होप आपकी वीडियो पसंद आये हो वीडियो पसंद आया हो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डो नॉट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा थैंक यू सो मच मार वॉचिंग बाय